लोगों का 100% अब की बार लोगों के मन में ये है कि बदलाव चाहते हैं लोग, और लोगों में कन्हैया के लिए उत्साह भी है, क्योंकि जो सरकार से सवाल करता है वो उसको बदनाम कर देते हैं, देश विद्रोही बना देते हैं। लेकिन अब की बार जो चुनाव है इसमें मैं देख रहा हूं कि इस बार लोग जागरूक हो गए हैं और सवाल कर रहे हैं, और खुद ही लोग बता रहे हैं कि अब की बार हम बदलाव करेंगे और कन्हैया का साथ देंगे। और यही मैं अभी आज मैंने पहली मीटिंग की शुरुआत करी है, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका हमेशा मुझे प्यार और आशीर्वाद मिलता है। आज मुझे यहाँ पर मैं शुरुआत कर रहा हूँ, इनका आशीर्वाद ले लिया, और अब लगातार 15 दिन में दिन और रात नहीं देखूंगा मैं। मेरे क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे पहली DDA की, और दूसरी समस्या है अपना जैसे अवैध नशा, जैसे हर कॉलोनी में अवैध शराब और नशा बिक रहा है, उसकी लड़ाई, और तीसरी लड़ाई जो मेरी है ग्राम सभा की जमीन की। और ये नहीं है कि मैं चुनाव आया है तब मैं ग्राम सभा की जमीन की मैं कह रहा हूं, मैंने ग्राम सभा की जमीन निकलवाई है, बोर्ड लगवाए हैं, और काफी ग्राम सभा की जमीन बची हुई है। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मैं कन्हैया कुमार जी के साथ मिलकर, अपने विधायक जी के साथ मिलकर, और मेरे वार्ड में कम से कम मैं 15-20 पार्कों की मैं उम्मीद करता हूं कि 2-3 साल के अंदर मैं 15-20 पार्क मेरे वार्ड के लोगों को दे दूं, ताकि वो वहां पर अपने बच्चों के साथ खेल सकें। उस दिन जाके मुझे सही में लगेगा कि मैंने क्षेत्र के लिए कुछ करा। तो आशीर्वाद आप बता रहे हैं कि बुजुर्गों का आपको मिला, आपने बातचीत की होगी, वो आशीर्वाद कन्हैया तक पहुंचेगा इसकी? बिल्कुल पहुंचेगा, मैं आंखों में देख रहा हूँ, ये मेरे परिवार है, ये मेरे अपने हैं, मेरे पिता समान है ये, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, आज की बात नहीं है, जब भी आता हूँ और दिल खोल के मुझे आशीर्वाद देते हैं, और मुझे चुनाव में दिया भी है, और ये हरदम साथ रहते हैं। हाँ,